दोस्तों अगर आपको किसी दिन पता चले कि हमारी कॉमिक बुक्स के सुपर हीरोज रियल वर्ल्ड में आ गए हैं और उनकी सुपर पावर यहाँ भी काम करती है तो आपके लिए ये खबर कैसी होगी और आप इस पर यकीन करेंगे भी या नहीं। दोस्तों वैसे हमें साईफाई मूवीज में दिखाए जाने वाले सुपर हीरो के जैसे सुपर पावर वाले लोग तो नहीं मिलेंगे, पर दोस्तों इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनमें कुछ न कुछ ऐसी सुपर पावर देखने को मिल जाती है जो उन सुपर हीरोज के मुकाबले भले ही छोटी हो पर हमारे हिसाब से किसी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर ये स्पेशल पावर उसको बचपन में ही मिल जाए तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि बड़े होने तक आप उन्हें सही से यूज करना सीख चुके होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे ऐसे ही बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें बचपन में ही सुपर पावर मिल गई थी। तो इन बच्चों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। नाइट विजन। दोस्तों इस बच्चे का जन्म चाइना के छोटे से गांव में हुआ था जिसकी आंखों में ऐसी सुपर पावर है जिनसे ये अंधेरे में भी बिना टॉर्च के किसी भी चीज को देख सकता है, क्योंकि इसकी स्काई ब्लू आंखें ऐसे बनी हैं जैसे किसी बिल्ली की आंख होती है। हालांकि इसके माँ बाप की आंखें हम इंसानों की तरह है। दोस्तों इस लड़के की आँख की बनावट ऐसी है कि अगर आप इसकी आँखों पर टॉर्च मारेंगे तो ये आँखें नियॉन ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी जानवर की आँखें लाइट पड़ने पर चमकने लगती है। और दोस्तों जिसके पास ऐसी आँखें होती हैं वो रात के अंधेरे में भी देख सकता है। और इन आंखों में पीछे की तरफ एक स्पेशल टाइप की सेल्स की लेयर होती है जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है। जैसे जब कोई हल्की रोशनी वाली तस्वीर हमारी रेटिना से होकर इन सेल्स के पास पहुंचती है तो ये सेल्स उस दृश्य की रोशनी बढ़ा देती है जिससे हमें कम रोशनी में भी वो चीज आसानी से दिख जाती है। और दोस्तों ऐसी आंखों वाले जानवर या इंसान उन चीजों को उस अंधेरे में भी देख सकते हैं जहां हमें अपने सामने खड़ा इंसान भी नहीं दिखता हो, जबकि दूसरी तरफ ऐसी आंखों को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों इस लड़के में इस सुपर पावर का टेस्ट भी हो चुका है जिसमें इसको अंधेरे कमरे में बिठाकर वहां रखी चीजों के बारे में पूछा गया था जिसमें ये पास भी हो गया था। इनक्रेडिबल हल्क। दोस्तों इस लड़के का जन्म मिशिगन में हुआ था जो कि 19 साल का होते होते 7 फीट 8 इंच तक लंबा हो गया था और इसकी ये ग्रोथ आगे भी ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। और अगर किसी को ब्रोक की हाइट मापनी होती है तो उसे एक स्टूल की जरूरत पड़ती है। और अगर आप सुपर हीरो मूवीज के फैन हैं तो इस लड़के को देखकर आपको हल्क की याद जरूर आ जाएगी। तो दोस्तों आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रोक ब्राउन रियल में कितने लंबे और हेल्दी दिखते होंगे, पर दोस्तों ये एक सॉफ्ट दिल के मालिक हैं जो कि बेहद ठंडे दिमाग के इंसान हैं और इन्हें हल्क की तरह जरा जरा सी बात पर गुस्सा भी नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली ये हल्क की तरह बड़े तो हो गए पर वापस उसकी तरह नॉर्मल नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों अपनी इसी बॉडी की वजह से ये जहाँ भी जाते हैं किसी सुपर हीरो की तरह सबसे अलग दिखते हैं। मैग्नेटो। दोस्तों निकोलाई दिखने में तो किसी आम बच्चे की तरह ही लगता है और इसका जन्म रसिया में हुआ था, पर इसे देखकर या इससे बात करके आप इनके अंदर छुपी इस सुपर पावर को नहीं देख सकते। अगर आपके सामने कोई लोहे की चीज टच हो जाती है फिर उसके बाद जो होगा उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो चीज इनकी बॉडी से चिपक जाएगी। और दोस्तों ये सुपर पावर इन्हें महज 12 वर्ष की आयु में उस वक्त मिली थी जब पहली बार जोरदार बिजली का झटका लग गया था जो अगर किसी आम इंसान के लग जाए तो उसकी जान ही ले लेता। दोस्तों इस करंट ने इनकी भी जान लगभग ले ली थी पर समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाने से ये सरवाइव कर गए थे और इनकी जान बच गई थी। लेकिन दोस्तों ठीक हो जाने के बाद इन्हें पता चला कि इस एक्सीडेंट ने इन्हें एक ऐसी सुपर पावर दे दी है जिससे ये मेटेलिक चीजों को अपनी बॉडी से चिपका सकते हैं, जिसे देखकर हम मैग्नेट के बारे में सोचने लगते हैं जो अपने एक इशारे से किसी भी मेटल को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों इस सुपर पावर को मिलने से पहले निकोलाई एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन इस सुपर पावर ने इनका करियर बदल दिया और इन्हें पुलिस ऑफिसर की जगह एक सुपर हीरो बना दिया। और दोस्तों अभी अपनी बॉडी से मेटल के फ्राई पैन को भी चिपका लेते हैं। इलेक्ट्रोमैन। दोस्तों आप इस वीडियो में इंडिया के रहने वाले दीपक को देख सकते हैं जिन्होंने बिजली की तार को पानी से भरी बाल्टी में छोड़कर अपना हाथ बाल्टी में डाल दिया है। इसके अलावा अपनी जुबान को बिजली की तार से टच कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति को कुछ होता क्यों नहीं, क्योंकि इतना करंट तो किसी के भी स्किन को जलाने के लिए काफी है। पर दोस्तों असल में चौंकने की बात तो ये है कि दीपक 11,000 वोल्ट को भी छू सकता है। हालांकि ये इतना ज्यादा होता है कि जिसे टच करते ही कोई भी इंसान जलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों दीपक को कुछ भी महसूस नहीं होता। दोस्तों दीपक ने जब पहली बार घर पर काम करते वक्त बिजली की तार को छू लिया था और इन्हें करंट नहीं लगा तो इनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई और फिर ये खुद की क्षमता को जांचने के बारे में सोचने लगे, जिसके बाद ये अलग अलग तरीके से बिजली को छूने लगे। कभी ये बकेट में पानी भरकर उसमें बिजली की तार को डालकर अपना हाथ उसी में छोड़ देते थे, तो कभी हिम्मत करके 440 वोल्ट की वायर को भी छू लेते थे, पर दोस्तों इन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। और दोस्तों इस कारनामे के बाद इनके करीबी दोस्त
इनको इलेक्ट्रोमैन के नाम से जानने लगे और फिर उनके मन में 11,000 वोल्ट पर खुद को टेस्ट करने का जुनून सवार हो गया, जो कि इनकी लाइफ का आखिरी टेस्ट भी हो सकता था। पर दोस्तों, इनकी बॉडी ने 11,000 वोल्ट को भी आराम से बर्दाश्त कर लिया, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लाइव इंसुलेटर हैं, जिन पर बिजली का कोई असर नहीं होता। सुपर स्ट्रेंथ। दोस्तों, चाइना में रहने वाला ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, ये उस वक्त फेमस हो गया जब इसकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें एक छोटा सा बच्चा कार को खींच रहा था और इस कार का वजन लगभग 2 टन था, जबकि इस बच्चे का वजन 54 किलोग्राम था। दोस्तों, ये बच्चा आम बच्चों से तेज ग्रो कर रहा है और अपने आप को फिट रखने के लिए हमेशा नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता रहता है और उन्हें पूरा करने के बाद ही रुकता है, और इन चैलेंज को पूरा करते करते इस बच्चे ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना लिया है। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत वाकई में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इस सुपर पावर से ये बच्चा गाड़ियों को खींच सकता है और अपने बराबर की 2 लड़कों को फाइट में एक साथ हरा भी सकता है। दोस्तों, इस बच्चे को अपने आप पर पहली बार भरोसा तब हुआ जब इसने घर पर ही अपने 98 किलोग्राम के फादर को उठाकर कुछ दूर चल लिया था। इसके बाद ये एक के बाद एक चैलेंजेस को पूरा करते चला गया और एक सुपर स्ट्रेंथ बॉय बन गया। माइंड रीडर। दोस्तों, इस लड़की के बारे में जानकर मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई थी, क्योंकि नंदना में टेलीपैथी की एबिलिटी मौजूद है, जिसकी मदद से वो अपने सामने मौजूद चीजों को बिना देखे या बिना सुने और बिना टच किए हुए सिर्फ दिमाग से उसके बारे में बता देती हैं। और दोस्तों, जिस वक्त इनको अपनी सुपर पावर के बारे में पता चला था, उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। दोस्तों, ये सुपर पावर से किसी पेपर पर लिखे शब्द को बिना देखे या किसी और माध्यम का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ दिमाग से ही उसे पढ़ के बता सकती हैं। दूसरे लोगों की तरह ही नंदना के पेरेंट्स भी इनकी सुपर पावर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इनकी बेटी इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर रही है। दोस्तों, नंदना का टेस्ट लेने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर रैंडम मोबाइल नंबर, कोई सेंटेंस और एक पोएम के बारे में पूछती हैं, जिसके बारे में नंदना को पहले से कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी ये इस टेस्ट को हर बार पास कर लेती हैं। और दोस्तों, इससे इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि माँ और बेटी का बॉन्ड कितना मजबूत हो सकता है। सुपर स्ट्रांग चाइल्ड। दोस्तों, वैसे तो डांसिंग एक आम बात है, पर इसे करने वाला उस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन जाता है जब वो कोई बच्चा हो, और वो भी 5 महीने का। इसके अलावा ये बच्चा इतनी कम उम्र में सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने भी लगता है, वो भी बिना किसी दूसरी चीज के सहारे या किसी इंसान की मदद के। और दोस्तों, ये लड़का था लायम, जो कि 1 साल का होते होते 2 किलोग्राम के डंबल से खेलने लगा था और इन डंबल्स को घर में इधर उधर ऐसे फेंकता था जैसे ये डंबल मेटल का ना होकर किसी मिट्टी का बना हो। दोस्तों, इस बच्चे को देखकर मार्वल और डीसी किसी नए सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस बच्चे के लिए दुख की बात ये थी जब इसकी माँ ने ही इसे पालने से उस वक्त मना कर दिया जब उन्हें किसी ने बताया कि इस बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है, जिसके बाद इन्हें अडॉप्ट करने वाले लोग आने लगे। और अडॉप्शन के बाद इनके माता पिता ने इनका मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई, बल्कि दोस्तों, इस बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी सामने आई जिसने इसे एक सुपर स्ट्रांग चाइल्ड इन द वर्ल्ड बना दिया। और रिपोर्ट में आया था कि लायम में म्योस्टेटिन कंडीशन है। इस कंडीशन में मसल तो बनती है, पर बॉडी में फैट बिल्कुल भी नहीं बन पाता। और दोस्तों, इसका शरीर मस्कुलर बनता चला जा रहा था, जिससे वो अब कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसमें ताकत की कोई भी कमी नहीं थी। एलियन बॉय। दोस्तों, इस लड़के से मिलने वाले और सवाल जवाब करने वाले कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक एलियन बॉय है, जो कि पहले कभी मार्स पे रहा करता था। हमारी अर्थ पे रहने वाले इसके माता पिता ने इसको गोद लिया हुआ है, क्योंकि ये लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। इसमें हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज के बारे में समझ एबनॉर्मल और इम्प्रेसिव है। और दोस्तों, ये सारी नॉलेज इस लड़के में महज 3 साल की उम्र में ही मौजूद थी, जबकि इस ज्ञान के बारे में जानने के लिए किसी भी आम इंसान को कम से कम 15 साल लग जाते हैं। दोस्तों, इस लड़के के बारे में कहा जाता है कि ये सारी नॉलेज इसे एलियन होने की वजह से मिली है, जो कि इस लड़के ने मार्स पे रह के सीखी होगी। और ये लड़का भी दावा करता है कि अर्थ पे जन्म लेने से पहले वो मार्स पे रहा करता था, जहाँ पे सिविलाइजेशन मौजूद थी, पर एक सिविल वॉर की वजह से सभी मार्टिन्स अंडरग्राउंड शेल्टर में रहने लगे। पर दोस्तों, ये सारी बातें किस हद तक सच है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन स्पेस के बारे में इसकी नॉलेज एकदम सही है, और इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज इसे एक सुपर बॉय की लिस्ट में जगह दिलाने के लिए काफी है। फायर स्टार्टर। दोस्तों, ये कोई ऐसी लड़की नहीं है जो आग से खेलती हो या फिर आग के ऊपर चलती हो, बल्कि ये अपनी सुपर पावर से किसी भी चीज में आग लगा सकती है, वो भी बिना किसी एडिशनल फ्यूल के। दोस्तों, फिलीपींस में रहने वाली इस 3 साल की बच्ची की ये सुपर पावर कोई ऐसी वैसी सुपर पावर नहीं थी जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होती, और इसीलिए इस पावर के बारे में जानने के बाद लोगों ने इसके बारे में वहाँ की लोकल पुलिस को तुरंत खबर कर दी।
जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस और उस एरिया के मेयर लड़की के घर पहुंच गए और लड़की को उसकी सुपर पावर शो करने को कहा, जिसके बाद ये बच्ची वहां पड़ी चीजों की तरफ इशारा करके कुछ पढ़ने लगी और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। दोस्तों ये सब नजारा मेयर की आंखों के सामने हो रहा था, जिस पर यकीन करना उन्हें भी मुश्किल हो रहा था। पर दोस्तों ये सच था कि ये लड़की अपनी फिजिक एबिलिटी की वजह से ये कर पा रही थी, जिसे पायरोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। आर्चरी। दोस्तों क्या आपने हिट सीरीज एरो के बारे में सुना है, जिसमें ओलिवर क्वीन बो एंड एरो से फाइट करती हैं, जैसे एवेंजर मूवी में हॉकाई करता है, जिनको देखकर हमें भी आर्चरी में मास्टरी करने का मन करता है। और दोस्तों इसी शौक को पूरा करने के लिए 19 साल की एना ने बो एंड एरो को चलाना सीख लिया, वो भी किसी आम इंसान की तरह हाथ से नहीं बल्कि अपने पैरों से। और दोस्तों इस कारनामे से इन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपने इस हुनर का मुरीद बना लिया। इनके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी इंसान हैरत में आ जाता है। और दोस्तों अपनी अपलोड की हुई वीडियो से दुनिया भर में फेमस हो गई, जिसमें ये दोनों हाथों पर बैलेंस बनाकर पैर से बो एंड एरो को पकड़ती हैं और टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाकर सबको अपना फैन बना लेती हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर कोई भी इंसान इन्हें सुपर गर्ल कहने से खुद को रोक नहीं पाता। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सी सुपर पावर ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।